बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खास खबरों पर नजर डालते हुए कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कहा न माफी मांगेंगे न वकील करेंगे। बिहार में बीजेपी बड़ा भाई बनी, कहा शराबबंदी की समीक्षा की जाए। ओबामा ने राहुल में जुनून की कमी बताई तो छिड़ गया विवाद। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का माहौल बना रही है बीजेपी। गुड़गांव में दलित युवती से की शादी तो पीट पीट कर मार डाला। खास खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का, लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे। गुजारिश यही है कि अगर स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं बची तो सत्य भी नहीं बचेगा, और सत्य नहीं बचा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, क्योंकि गोदी मीडिया सच को दबाने की कोशिश कर रहा है, सच को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आए, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से मनचाही सदस्यता अपने लिए चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा संचालित sathindi.com को आपका ये समर्थन सहयोग प्रोत्साहन अवश्य मिलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट की कथित अवमानना को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। कामरा ने लिखा है कि मेरे विचार नहीं बदले हैं, क्योंकि दूसरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी को आलोचना से अलग नहीं रखा जा सकता है। मैं अपने ट्वीट को वापस लेने या उनके लिए माफी मांगने का इरादा नहीं रखता। कामरा ने लिखा, कोई वकील नहीं, कोई माफी नहीं, कोई जुर्माना नहीं, समय की बर्बादी नहीं। कॉमेडियन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों और वेणुगोपाल के नाम एक चिट्ठी लिखी है। कामरा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने जो भी ट्वीट किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्राइम टाइम लाउड स्पीकर अर्णब गोस्वामी के पक्ष में दिए गए भेदभावपूर्ण फैसले पर मेरी राय थी। उन्होंने कहा कि न तो वे माफी मांगेंगे न ही वकील करेंगे। कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ ट्वीट किए थे जिनके बाद उनके खिलाफ शिकायत की गई थी और कहा गया था कि वे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना है। जिन ट्वीट का शिकायत में जिक्र किया गया है उन्हें के वेणुगोपालन ने, जो कि अटॉर्नी जनरल हैं, काफी आपत्तिजनक बताया है। तो कुणाल कामरा जो कि कॉमेडियन हैं, वो अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं और खासतौर पर अर्णब गोस्वामी से जुड़ी उनकी टिप्पणियां उनके कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ कार्यक्रम का नहीं है और ना ही कॉमेडी का है, मामला यहाँ बहुत गंभीर है। और गंभीर मामला ये है कि उनकी टिप्पणी को जो अटॉर्नी जनरल है वेणुगोपाल, उन्होंने अवमानना के दायरे में पाया है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो लक्ष्मण रेखा है उसको लांघा है। लेकिन मुद्दा ये है कि अर्णब गोस्वामी के मामले में जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है उससे लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है किया है उसमें खुद बहुत सारे विरोधाभास दिख रहे हैं। सबसे पहले तो फास्ट ट्रैक करके अर्णब गोस्वामी के मामले की सुनवाई की गई, फिर उन्हें राहत भी दे दी गई, तुरंत छोड़ने के आदेश भी दे दिए गए और उसमें राज्य सरकार को नसीहत भी दे दी गई। ये तीनों काम जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने किए और उन्होंने बहुत सारी चीजों को अनदेखा कर दिया, जिनमें 16 लोग जो 2-2.5 साल से जेलों में बंद हैं उनकी जो पर्सनल लिबर्टी की बात उन्होंने कही थी उसकी चिंता नहीं हुई। डॉक्टर कफील की जो पर्सनल लिबर्टी है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो खामोश रहता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, वरवर राव की अपील बार बार खारिज होती रही है, सुधा भारद्वाज की अपील खारिज होती रही है, और पार्किंसन की बीमारी से ग्रस्त आदिवासियों के एक्टिविस्ट उनको भी जमानत नहीं मिल पा रही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है उसमें एक दोहरापन लोगों को दिख रहा है। इस वजह से लोगों में बेचैनी है और टिप्पणियां हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो पिछले 5-6 साल में खासतौर पर चिंता के दायरे में आया है,
आलोचना के दायरे में आया है, इसलिए लगातार उस पर टिप्पणियां हो रही हैं और वो होती रहेंगी, भले ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आड़ में उनको दबाने की कोशिश की जाए। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिरकार लोग इस तरह से उसके बारे में क्यों राय बना रहे हैं। और ये केवल आम लोगों की बात नहीं है, किसी कॉमेडियन की बात नहीं है, किसी वकील की बात नहीं है, बल्कि पूर्व जज जो सुप्रीम कोर्ट में रह चुके हैं वो तक मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया अब बहुत ही स्पष्ट और न्यायपरक नहीं रह गया है, उसमें भेदभाव दिख रहा है, उसमें राजनीतिक प्रभाव दिख रहा है। तो ये चिंता की बात है, क्योंकि इससे पूरी न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठता है और ये न्याय व्यवस्था से विश्वास उठने का मतलब है कि लोकतंत्र का कमजोर होना। तो ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की है कि वो इस मामले को सिर्फ आलोचना के नजरिए से न देखें, इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला न बनाए, बल्कि अंतर अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, अपने पूरे मामलों की समीक्षा करें और उस तरह से उसे इस पूरे सुप्रीम कोर्ट की जो साख है, जो गिरी है, उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश करें। लेकिन जाहिर है कि अगर सरकार का दबाव है, अगर सरकार का प्रभाव है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें नहीं करने दिया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें बार बार उठेंगी। कुणाल कामरा को सजा दे जा सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा, चाहे वो 1 रुपए की हो, 1 लाख रुपए की हो या 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है। लेकिन ये दूसरा मसला है, सवाल उठता है कि जो प्रश्न उठाए हैं कुणाल कामरा ने वो कितने जायज़ हैं, कितने प्रासंगिक हैं और उन पर सुप्रीम कोर्ट कितनी गंभीरता से सोचता है। उसे इस तरह की आलोचना से डिगना नहीं चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। इस तरह की आलोचनाएं होती रहती हैं और ब्रिटेन के एक जज ने तो बाकायदा कहा था, कोई क्या सोचता है मेरे बारे में उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम है मैं अपना काम करूंगा, उसे अपना काम करने दूंगा। ठीक इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को इसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। अगली खबर में आते हैं, बिहार में सरकार का गठन नहीं हो पाया है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी बड़े भाई का रुतबा दिखाने लगी है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने नीतीश कुमार के एक बड़े कदम शराबबंदी में संशोधन की सलाह दे दी है। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि शराबबंदी में कुछ संशोधन करें, क्योंकि जिनको पीना या पिलाना है वे नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रास्ता अपनाते हैं। इससे राजस्व की हानि होती है, होटल उद्योग प्रभावित होते हैं तथा पुलिस एक्साइज विभाग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी और एलजेपी ने जोर शोर से कहा था कि नीतीश कुमार की शराबबंदी जमीन पर फेल हो गई है। उधर दूसरी ओर आज एनडीए की बैठक हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बुलाई गई बैठक 15 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि अब 15 नवंबर यानी रविवार की दोपहर 12:30 बजे एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। तो शराबबंदी के बारे में खुले तौर पर ये आलोचना शुरू हो गई है। अभी तक विपक्षी दल कर रहे थे, दूसरे लोग कर रहे थे, लेकिन अब गठबंधन के अंदर से आलोचना हो रही है और ये बताता है कि शराबबंदी फेल हो चुकी है। शराबबंदी फेल क्यों हुई है और शराबबंदी क्यों लागू की गई थी, उस जबकि हम जानते हैं कि दूसरे प्रदेशों में जहां जहां लागू की गई थी वहां इसी तरह की समस्याएं आई हैं, वहां शराब की तस्करी हुई है, वहां शराब माफिया पनपा है, शराब के नाम पर भ्रष्टाचार फैला है और वही बिहार में हो रहा है। तो इसके बावजूद क्योंकि एक लोकप्रिय कदम था इसलिए नीतीश कुमार ने किया और उसका फायदा उन्हें राजनीतिक मिला। पिछले चुनाव में भी महिलाओं ने जमकर वोट दिया, इस चुनाव में भी अगर एनडीए की नैया पार लगी है तो ये महिलाओं के वोटों की वजह से काफ़ी हद तक वो पार लगी है। ऐसे में बीजेपी के सांसद पब्लिकली अगर नीतीश कुमार से कह रहे हैं, ये अंदर खाने भी बात हो सकती है, एनडीए की बैठक में बात हो सकती है, सरकार की बैठकों में बात हो सकती है कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये मांग करना बताता है कि अब बीजेपी अब ज़्यादा एसर्टिव होना चाहती है, ज़्यादा अपनी ताकत दिखाना चाहती है,
जो निर्णय हैं सरकार के उनको ज्यादा प्रभावित करने का इरादा रखती है, इसीलिए सार्वजनिक रूप से बयान देकर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये पहला संकेत है, बल्कि और भी संकेत मिल चुके हैं कि नीतीश कुमार का कद, भले ही वो मुख्यमंत्री बन जाए, इस बार और बौना होने वाला है। वो और कमजोर मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी कोशिश करेगी कि अब इस सरकार की ड्राइविंग सीट पर भले ही नीतीश कुमार बैठे, लेकिन ड्राइव वही करेंगे, वो बीजेपी के निर्देशों पर ही वो सरकार चलाएंगे। तो ये एक स्थिति बिहार में बनती हुई दिख रही। कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार उप मुख्यमंत्री भी बदला जाएगा और हो सकता है ऐसे व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए जिसे आगे चलकर मुख्यमंत्री बनाने की योजना हो बीजेपी की। तो आने वाले मंत्रिमंडल के गठन में, सरकार के गठन में, उप मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय जो लिए जाएंगे वो, और जो कुछ नीतियों में रद्दो बदल की कोशिश की जाएगी, उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी कितना उस उन निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और कितना नीतीश कुमार को हद में लाने की कोशिश कर रही है। और ये जाहिर है कि नीतीश कुमार के पास अभी तो कोई रास्ता है नहीं, मुख्यमंत्री बनना है तो या तो वो बगावत करें या एनडीए के साथ ही रहें। तो पता नहीं उनकी कोई नस दबी हुई है सीबीआई ईडी वगैरह से, तो हो सकता है वो ये अभी ना करना चाहें, लेकिन आगे चलकर अगर तनाव बढ़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। इसके संकेत जरूर इस तरह की बयानबाजियों से मिलने लगे हैं। और अब अगली खबर लेते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में जाहिर की गई राय पर जमकर चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ओबामा ने अपनी जीवनी अ प्रॉमिस्ड लैंड में अमेरिका के साथ ही कई दूसरे देशों के नेताओं के बारे में अपने विचारों को लिखा है। ओबामा ने राहुल गांधी को लेकर लिखा है, राहुल एक नर्वस और कच्चे गुणों वाले व्यक्ति हैं। वे एक ऐसे छात्र की तरह हैं जिसने अपना कोर्स पूरा कर लिया है और वो अपने टीचर को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन उस छात्र में योग्यता या विषय में मास्टर होने के लिए जरूरी जुनून की गहरी कमी है। इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर माफी मांग ओबामा भी ट्रेंड करने लगा। इस खबर बता दें कि जिस दौरान ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब राहुल गांधी के कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। ओबामा के भारत दौरे में उनसे मिले थे राहुल और उन्होंने इस मुलाकात को लेकर ट्वीट भी किया था। ये दिसंबर 2017 का वाकया है। राहुल ने लिखा था कि ओबामा के साथ बातचीत बढ़िया रही और वो उनसे फिर मिलना चाहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ओबामा और राहुल गांधी की मुलाकात बहुत छोटी रही होगी, वो भी अब से करीब 8-10 साल पहले जब वे अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर भारत आए थे, और एक दो मुलाकातों के आधार पर किसी की क्षमता को आंकना मुश्किल होता है। तो बराक ओबामा दुनिया भर के नेताओं के बारे में अपनी इस किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में अपने विचार रख रहे हैं, और उनमें से राहुल गांधी पर भी उन्होंने लिखा है। हो सकता है और भी कई भारतीय नेताओं के बारे में लिखा हो। कुछ समय बाद आपको हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में भी, उनके क्या विचार हैं वो भी सामने आए, और जाहिर है कि सामने आएंगे तो थोड़ा वो भी ऐसे विस्फोटक हो सकते हैं जिससे मोदी जी के लिए धर्म संकट पैदा हो। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी पर उनकी टिप्पणी बहुत कड़ी है और बहुत ही कहना चाहिए आलोचनात्मक टिप्पणी है राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक सटीक भी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक राजनीति में वैसा जुनून नहीं दिखाया है जैसा किसी एक बड़े नेता के से अपेक्षा की जाती है। तो वो जुनून की कमी दिखती है, इसीलिए कांग्रेस का ये उसकी दुर्दशा होती जा रही है। कई राज्यों में, बिहार में देखिए अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस का कोई जुनून नहीं दिखा, कांग्रेस नेतृत्व का कोई जुनून नहीं दिखा कि वो सचमुच में चुनाव जीतना चाहती है, उसमें चुनाव जीतने की ललक वैसी भूख नहीं दिखी है। तो ये दिखाता है कि अगर शीर्ष नेतृत्व में वो भूख ना हो, वो जुनून ना हो, तो नीचे भी संगठन में, पार्टी में उस तरह की भूख पैदा नहीं होती है। तो अगर ओबामा इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए राहुल गांधी को भी और उनकी पार्टी को भी, और अपने में करेक्शन की तरफ देखना चाहिए, ना कि इसे
इस तरह से लेना चाहिए कि ये आलोचना हुई है या निंदा हुई है या हमारी फजीहत छीछा लीदर हो गई है, ये हुई है और ये होती रहेगी और दूसरे लोग भी इस तरह की टिप्पणियां करते रहेंगे अगर आपके व्यक्तित्व में आपके चरित्र में इस तरह की कमियां दिखेंगी। और चूंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं इसलिए आपको और भी ज्यादा एक्सरे की किरणों से गुजरना पड़ेगा, आपका और भी ज्यादा आपके कामकाज का, आपके रहन सहन का, आपके व्यवहार का पोस्टमार्टम होता रहेगा। तो राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, कड़ी टिप्पणियां मिलेंगी ही। आप उन कड़ी टिप्पणियों से नाराज होते हैं तो ये आपकी एक और कमी मानी जाएगी, इससे सबक लेते हैं तो ये एक आपका गुण माना जाएगा। तो बराक ओबामा की इस टिप्पणी को इसी तरह से लेना चाहिए, दूसरे दल निश्चित रूप से माहौल बनाएंगे, राहुल गांधी का बना भी रहे हैं, बीजेपी के नेता इस टिप्पणी को आधार बनाकर उन पर तीखी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं, स्वाभाविक है जब इस तरह की स्थिति होती। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि कल जब बीजेपी के नेताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणियां आएंगी तो क्या कांग्रेस उन्हें बख्श देगी? नहीं बख्शेगी। अगली खबर लेते हैं, पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। तो वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है, मैं बंगाल की हालत को लेकर चिंतित हूं, मैं नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल की जनता ये विश्वास खो दे कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव भी हो सकते हैं। मैं राष्ट्रपति शासन लगाने पर भी अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भारत के संविधान के तहत जो शक्तियां मुझे मिली हैं जनता के हित में संविधान के हिसाब से उन्हें उठाएंगे। वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि ममता बनर्जी खुद चाहती हैं कि राज्य में धारा 356 लागू हो जाए, वो केंद्र सरकार को इसके लिए मजबूर कर रही हैं ताकि चुनाव के दौरान विक्टिम कार्ड खेल सके। वहीं शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर दिलीप घोष बोले, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और ना ही उनसे बातचीत हुई है, वो एक प्रभावी नेता हैं और परिवहन मंत्री हैं, इसके अलावा 4-5 टीएमसी विधायक और भी हैं जो बागी हो रहे हैं, वो कहते हैं कि उनका पार्टी में दम घुटता है, टीएमसी में कोई मान सम्मान नहीं है, चर्चा है कि ये लोग कहीं पार्टी न छोड़ दें। तो दरअसल ये सारा विवाद उठा है बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के का कारवा था, उनका उस पर कोई अटैक हुआ था और उसमें एक व्यक्ति की जान भी गई थी, तो लगातार वहां हिंसा का माहौल बना हुआ है, हिंसा दोनों तरफ से हो रही है, बीजेपी की ओर से भी हिंसा हो रही है और टीएमसी की तरफ से भी हिंसा हो रही है, और हिंसा प्रतिहिंसा के इस दौर में वहां माहौल बिगड़ता जा रहा है, बिगाड़ा भी जा रहा है, क्योंकि ये बीजेपी की स्ट्रेटजी का भी एक हिस्सा है कि ममता बनर्जी को बदनाम किया जाए, वहां की कानून व्यवस्था को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए जैसे वो अब हाथ से निकल चुकी है और वहां एक अराजकता का माहौल बन चुका है। तो वहां के राज्यपाल धनखड़ वो भी यही इसी कोशिश में लगे हुए हैं पिछले 2-3 सालों से, बीजेपी तो 4 साल से वहां मैदान में है ही, केंद्रीय नेता बीजेपी के लगातार वहां जाकर इस तरह की उकसाने वाली भड़काने वाली बयानबाजी भी करते रहे हैं और केंद्र से लगातार शह मिल रही है बीजेपी के स्थानीय नेताओं को, और वे अजीबोगरीब भड़काऊ बयान दे रहे हैं जिसमें दिलीप घोष सबसे आगे हैं, वो एक से एक भड़काऊ बयान दे चुके हैं, अगर आप खंगालेंगे गूगल पे तो शायद वो भारत में सबसे ज्यादा भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं में से एक साबित होंगे। तो ये स्थिति है, कई स्तरों पर बीजेपी इस चुनाव को जीतने की तैयारी में है, तरह तरह की तिकड़में लगा रही है, टीएमसी को तोड़ने की भी कोशिश हो रही है, जो परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं उनके टूटने की जो खबरें आ रही हैं दरअसल वो भी इसी का हिस्सा हैं, कुछ और टीएमसी के विधायक टूट सकते हैं। तो पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत बनाना, हिंसा का माहौल बनाकर, अराजकता का माहौल बनाकर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करना और फिर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का तर्क को आगे बढ़ाना, ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि बीजेपी चाहती है कि वहां चुनाव राष्ट्रपति शासन के अधीन हो ताकि पूरी सरकारी मशीनरी पर उसका कब्जा हो और टीएमसी उसका इस्तेमाल अपने हक में न कर पाए बल्कि वो उसका इस्तेमाल कर ले, और इस चुनाव को, बंगाल के चुनाव को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है, तमाम तरह की तिकड़ में तमाम तरह के जो भी हथकंडे हो सकते हैं वो आजमा रही है। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगले 2-4-5 महीनों में वहां पर हालात और बिगड़ा ले जाए
और बिगड़ें और राष्ट्रपति शासन की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है क्योंकि फिर ममता बनर्जी एक आंदोलन कार्यकर्ता जो उनकी खास बात भी है उस रूप में उतर पड़ेंगी और हो सकता है कि जन समर्थन जुटाने में कामयाब हो सकें। तो ये निर्णय जो है बहुत नापतौल के बीजेपी लेगी, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश की पूरी छवि को बर्बाद करना, टीएमसी की छवि को नष्ट करना, ये उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। हरियाणा के गुड़गांव में युवक को दलित युवती से प्रेम करने की वो सजा भुगतनी पड़ी है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल ये युवक के दलित युवती से प्रेम विवाह करने के बाद पूरे गांव में भारी आक्रोश फैल गया। अंतरजातीय विवाह से क्षुब्ध कुछ दलित युवकों ने युवक को न केवल जान से मारने की धमकी दे डाली बल्कि उसके गांव में आने जाने पर भी रोक लगा दी थी। बावजूद इसके युवक बीती 8 नवंबर को लोगों की नजरों से बचाता हुआ खुद को अपनी ससुराल जा पहुंचा। एनडीटीवी के अनुसार जब वो ऑटो रिक्शा में जा रहा था तभी उसका रिक्शा आरोपी अजय से लग गया जिसमें बहस भी हो गई, जिसके बाद अजय ने गांव के लोगों को बुलाया जो अंतर जातीय शादी से गुस्से में थे। इसके बाद दलित युवकों ने युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको जब गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया तो वहां उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये वारदात गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव की है। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सभी आरोपी बादशाहपुर के रहने वाले हैं। तो अभी घटना से स्पष्ट नहीं है कि ये अंतरजातीय विवाद की वजह से हत्या हुई है या दूसरे विवाद थे जो जिसके बहाने अंतरजातीय विवाद ऊपर आ गया और उसकी वजह से हत्या हुई है। ये दलित और गैर दलित के बीच प्रेम विवाह था। तो आमतौर पर हमारी धारणा ये है कि जब ऊंची जाति के लोग दलितों से शादी करते हैं तो ऊंची जाति के लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं, संलग्न होते हैं, जिनमें निचली जाति के लोगों पर हमले किए जाते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है, हत्याएं की जाती हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा देखने में आ रहा है कि दलितों ने हमला किया उस युवक पर जो माना जा रहा है कि ऊंची तथा कथित ऊंची जाति का है और उसको मार डाला। लेकिन इसलिए ये संदेह होना लाजमी है कि कुछ और वजह भी हो सकती हैं। हो सकता है कि उस युवक की तरफ से कुछ ऐसी उकसाने वाली बात की गई हो, कार्रवाई की गई हो, या हो सकता है कि गांव के जो युवक हैं, जो दलित युवक हैं, उनका अपना कुछ विवाद हो। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक ये मानना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि ये दरअसल जातीय मुठभेड़ थी, टकराव था, मॉब लिंचिंग थी। उस तरह से इसको देखना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। तो हमें थोड़ा सा इसकी सच्चाई का इंतजार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक sathhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।